in this camp. I'm boiling the water. Very amazing experience at all. Outside, too much wind are coming. दोस्तों वीडियो में थोड़ी सी आपको शेकनेस ज़्यादा मिलेगी तो माफ़ करना, क्योंकि ये मैं अपने नॉर्मल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, सामने का नज़ारा। हाँ 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 खतरनाक रास्तों से हम निकलते हुए दोस्तों, सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हुए हम ऋषिकेश की तरफ। पहाड़ भाई पहाड़, वाह क्या बात है यार, जिंदगी यहाँ पर है भाई, जिंदगी यहीं पर है। यहाँ पर लिखा हुआ है जंगली जानवरों से सावधान। क्यों तो जी गोलू, कैसा अभी तक आपका सीन रहा? ओके रिपोर्ट सर। कहाँ पर है अभी हम? कहाँ पर? अरे भाई भाई, हम अभी ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। हरिद्वार से दर्शन करने के बाद हम ट्रैक निकले और सीधा हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं। और भाई साहब बहुत मज़ा किया आज तो, सही में ये बाइक बहुत बढ़िया साथ दे रही है। चलिए अब हम निकलते हैं। दोबारा से अपना सामान उठाइए भैया। भाई मैं मजाक कर रहा था वीडियो के एंजॉय करने के लिए कि हम कहाँ पे पहुँचे हैं। अभी लंबा रास्ता बहुत है दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से हरिद्वार में हमने दर्शन कर लिए, हरि की पौड़ी हम घूमाए। अब बारी है ऋषिकेश जाकर थोड़ा अपना ये टेंट लगाने की। टेंट लगाने के बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा एडवेंचरस वाला रास्ता। सही में यार, इसको ना लद्दाख इसी बाइक से मैं गया था और दूसरा टाइम सबसे ज़्यादा बड़ी जर्नी अब इससे ही कर रहा हूँ अपनी केदारनाथ यात्रा। तो सही में जय बोले बाबा, थैंक्स माई बाइक एंड थैंक्स टू बोले बाबा। जस्ट नाउ वी आर गोइंग, ध्यान से। तो दोस्तों गोप्रो तो हमारा था नहीं फिलहाल, गोप्रो की जिंदगी। अरे भाई पहाड़ों पे दोस्तों हैंड ब्रेक बाइक की होती नहीं है, तो हो सके अगर आप स्टैंड लगाते हो तो पीछे ईट वगैरह रख देना। जय भोलेनाथ, जय श्री बालाजी। आइए रास्ते से। जब भी आप कहीं से निकलो तो बहुत जरूर देख लिया करो, बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड देख लो, गूगल के सारे मत रहना, गूगल कई बार गलत रास्ता ही बता सकता है। फिलहाल दोस्तों हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, अगर यहाँ फंस गए तो मुर्गी दिखा है, मुर्गी नहीं है रे, बनमुर्गी है। ये दोस्तों हमने रास्ता जान के लिया है, हम चाहते तो टाउन साइड से भी जा सकते थे, बट इस रास्ते से इंजॉयमेंट अलग ही है। आप देख सकते हैं सामने आपके, हमने अभी तक दो जानवर देखे, हिरन देखे और वन मुर्गा वो देखा। वन मुर्गा अब मैं क्या बताऊँ आपको, समझ आ गया होगा है। मंकी तो यार बहुत है, मंकी तो यार बहुत है। यस हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर,
ये गूगल बाबा हमको थोड़ा भटका रहे थे, बट भटके नहीं, हम आ गए हैं। ये भाई आ गए हम। अति उत्तम, अति उत्तम। पेड़ के नीचे सो गए। भगवान ने अपने योग माया को प्रेरित करके सोते हुए सुदामा जी को क्षण मात्र में द्वारिका के मुख्य द्वार पहुंचा देते। यार बिल्कुल टूरिस्ट है ही नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं है। ये घाट है यहाँ पर गंगा का, ये टंगा है ना, यही है लेते हैं सवाल, लोग मोटरसाइकिल कहीं लगा लें। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बोल बम 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 बोल बम। हा, यही है, मेरे यहीं पर तो हम घूम रहे थे बहुत टाइम से। यस, ये है दुकान। अरे तो मोबाइल आ गया, यहाँ से लेते हैं सामान। ऐसा कभी मैंने नहीं देखा लाइफ में, बिल्कुल भी टूरिस्ट फिलहाल यहाँ पर ऋषिकेश में नहीं है। सभी दुकानें खुली हैं बट कोई भी यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, गंगा जी की आरती के बाद लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम जस्ट गंगा जी के सामने मैंने कैंपिंग की है, और ज़िंदगी में मैं पहली बार कैंप लगा रहा हूँ अपने दोस्त की हेल्प से। गोलू, ये दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गोरे हैं, है दांत ही दिख रहा है सिर्फ आपका। तो बस ये कैंप लग चुका है, और ये सिलेंडर हमारा भी कुकिंग करेंगे। हम मैगी वगैरह ले आए हैं, पानी की बोतल वगैरह ले आए हैं। तो फिलहाल हमारे ऋषिकेश में जो मंदिर है जहाँ पर गंगा जी की आरती की जाती है, जस्ट उसके सामने हमने कैंपिंग की है पंडित जी से परमिशन लेकर। और बहुत खूबसूरत सा सामने पानी है, गंगा जी सामने है हमारे, और ये मोमेंट को एंजॉय करने के लिए यार सही में लाइफ में मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा मोमेंट मेरे को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और कल हम निकलेंगे सुबह होते ही केदारनाथ यात्रा जी के लिए। तब तक बस इतना ही माहौल था, आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। हेलो ब्रो, कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? खुशी हो रहा है। कहाँ पे हो आप? मैं ऋषिकेश हरिद्वार। वो तो मैं देख रहा हूँ अभी अंदर, क्या ये क्या चीज है? कैंप के अंदर है। मेरा सपना था कि एक छोटा सा ना डिस्कवरी कैंप मनाया जाए जिसमें मैं एंजॉय करूँ, और खाने पीने के सारी सामान हमारे पास है। अच्छा, और बनाओगे कैसे खाने पीने का सामान? आप गैस चूल्हा सिलेंडर सब कुछ है। ओके, और बर्तन कहाँ है? बर्तन भी हमारे पास। कहाँ है बर्तन? हमारे पास सारा सामान है। ओके, पूरा सेट लेके आप चल रहे हो? सेट लेके हम चले, छोटी सी कढ़ाई है। ओके, पानी भी रखा है, पानी भी है। और मेरा दोस्त भी है। वो कहाँ है? वो आप ही हो सर। और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है मुझे, इतना ज्यादा, इतनी खुशी हो रहा है मुझे। लाइफ में पहली बार छोटे में डिस्कवरी देखता था, लेकिन आज लाइफ रियल में कर रहा हूँ।
बहुत मजा आ रहा है मेरे को, माइंड फ्रेश हो गया मेरा। और कुछ? बस फिर मैगी बनाते खाते हैं सोते हैं, कल निकलना भी है, अभी और एडवेंचर करना है। तो जी हमारे गोलू भाई साहब बनाने जा रहे हैं मैगी, और सही में इनके हाथ का जो भी बनाया होता है ना काफ़ी टेस्टी होता है। और हवा चल रहा है, इसको थोड़ा कम कर, हाँ अब ठीक है। तो ये सिलेंडर का थोड़ा फ़ायदा ये है कि साथ में पर लगे ना तो इससे हवा कम हो जाता है। तो जी अभी फ़िलहाल मैगी बनने वाली है, मैगी बन के तैयार होते ही हम खाएंगे उसको। ये देखिए जी फ़िलहाल ऐसा हमारा सेटअप है कैंपिंग का। तो गोलू जी यहाँ पर लगे हुए मैगी बनाने के लिए, और यार मैं यहाँ पर जस्ट बैठा गंगा घाट के किनारे, और इस मोमेंट का पूरा शुक्रिया कर रहा हूँ भगवान का जो कि उन्होंने मुझे दिया। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो का बनाना भी आपके लिए ही है, और लाइफ में जीने का यार सही में अपना असूल होगा तो यार काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट रहती है। काम सभी काम के लिए सभी बिजी रहते हैं, बट बिजी में से काम को हटाकर, बिजी काम को हटाकर अपने लिए कुछ समय निकालना भी लाइफ का एक पार्ट है। अब यहाँ पर हम जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं मेरे ख्याल से मैं इसको अपना क्वालिटी टाइम समझूंगा जो कि मैं स्पेंड कर रहा हूँ। लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम दोस्तों, आप देख सकते हो जन्नत। लास्ट राइट हमने यहाँ पर कैंपिंग की थी, और सुबह सुबह का माहौल प्यारे गंगा जी के सामने, मज़ा आ गया दोस्तों सही में। अभी थोड़ी देर बाद मैं ड्रोन का शॉट लूँगा यहाँ का, और थोड़ा मज़ा करेंगे। हमारी बाइक एक्चुअली वहाँ पर खड़ी हुई है नदी के बैक साइड, और हम अपना सामान लेकर यहाँ पर आकर कल रात को ठहरे थे। अब आज की ट्रेकिंग स्टार्ट होने वाली है, बाइकिंग सॉरी, आज की जो बाइक राइड होने वाली है वो सोनप्रयाग तक की होने वाली है। सोनप्रयाग से कल के डेट में गौरीकुंड में हम बाई ट्रेकिंग से केदारनाथ बाई ट्रेकिंग दर्शन के लिए जाएंगे। तो माहौल देखिए अब यहाँ का, फिलहाल